तुम जो कर रही हो वो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने से मना किया था ना मैंने, लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा ऑपोजिट ही करोगी जो मैं बोलूंगा, है ना? क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? बहुत ही बिजनेस वुमन बनने का शौक चढ़ाना तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है ये बिजनेस सेंस सिर्फ तुम में? मैं और दीदी लूजर है? प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज छोड़ दो, कोई देख लेगा। प्लीज क्या चाहती हो? अनुज की गुड बुक्स में आके मुझे बेवकूफ साबित करना चाहती हो ना? दिस इज व्हाट यू वांट? क्या चाहती हो, मुझे और मेरी दीदी को इस घर से, इस बिजनेस से बाहर धकेलना चाहती हो ना? Subscribe my channel, please. Subscribe my channel, please. Subscribe my channel. Please छोड़ दो। घर में सब already परेशान हैं, उनकी परेशानी और मत बढ़ाओ, please. अरे please छोड़ दो, please. अरे Subscribe my channel, please. Subscribe my channel, please. Subscribe my channel. बेचारी की सारी मेहनत बेकार हो गई, है ना? सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। स्वीटी तो ठीक है ना? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। बड़ी सॉरी, वो मेरी वजह से आपका लैपटॉप। अरे डोंट वरी, इट्स जस्ट अ लैपटॉप, डेटा रहता है मेरे पास बैकअप में। एक्टिंग अच्छी कर लेता है। क्रेजी हाउस, क्रेजी पीपल। Subscribe my channel, please. Subscribe my channel, please. Subscribe my channel. बुरा, बहुत बुरा। चाहे जैसा भी समय हो, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। इस बार कितनी आसानी से बहू बेटे ने घर अलग कर दिया, घर का बंटवारा कर दिया। क्या करेगा,
जितना समझा सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे की, लेकिन अब दोनों अगर जिद पे अड़े हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए। क्या बंटवारा ये इकलौता रास्ता है? अगर जोर जबरदस्ती करके हम उन्हें अपने साथ रहने को मजबूर करते तो न वो खुश रह पाते न हम खुश रह पाते। भले ही अलग रहे बात, लेकिन कम से कम अपनी आंखों के सामने तो रहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा सुख भी संतान है और सबसे बड़ा दुख भी संतान है। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। Subscribe my channel, please. Subscribe my channel. Ma, idhar aai. Ma, yahan baith. Ma, ma, dil chota mat kijiye. Samar aur Nimpi hai to isi ghar mein na. Ye dooriyan kam bhi to ho sakti hai. Parivar phir se ek bhi to ho sakta hai. Hum bas koshish karni hogi, ma. सच में इस घर के झूठे अनुपम आ रहे। भगवान करे सब ठीक हो, यहाँ भी और उस घर में भी। स्वीटी। हाँ मम्मी। कुछ पता नहीं, कोई बात है तो उसे बड़ी होने से पहले पता थे। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम खुद से कहने में भी डरते हैं, खुद को भी नहीं बता पाते, अपने मन को भी नहीं बता पाते, पर ऐसी बातें ना माँ से कह देनी चाहिए। क्या बात है बेटा, कोई बात है क्या? हाँ है मम्मी। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे बचपन में हम पहली बार स्कूल में जाते, बड़े होके पहली बार ऑफिस में जाते, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, आदत पड़ जाती है। और तेरे पास तो तेरे बड़ी है, बस उनकी उंगली पकड़ कर चल, सब अच्छा होगा। और बात बता दी थी। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माई चैनल। तुझे पता है ना, हमारे घर में चप्पल पहन के घूमना मना है। आपके घर में मना है, मेरे घर में अलाउड है। प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, पहन, गले में पहन, टाई बना के पहन, माला बना के पहन, जो करना है कर। भैया आओ, आ जाओ अंदर। अरे आराम से लेकर आना।
बहुत महंगा है। ये वो लेटेस्ट वाला है ना? हाँ यही रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख। दूसरा भी ले आओ। बहुत एक्सपेंसिव है ना? धीरे से, धीरे से। ये क्रॉकरी आराम से, कांच का है। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। Subscribe my channel please. Subscribe my channel. एकदम लेटेस्ट डिजाइन। हाँ रख दीजिए, आराम से रखिए। भैया वो बेड और कैबिनेट भी जल्दी डिलीवर कर देना। हाँ समर, ये सामान आया है, इन्हें पैसे दे दो। आप लोग हमें गालियाँ दे रहे होंगे ना? देनी होगी ना, तो डंके की चोट पर लाउड स्पीकर पे दूंगी। तू इतनी भी खास नहीं है मेरे लिए, तू दिन रात तेरे बारे में सोचती रहूं। ये सब क्या है दिल्कु? ये कैसा सवाल? अरे गृहस्थी बसानी है तो सामान तो लाना ही पड़ेगा ना। अब हम लोग आप लोगों का सामान तो यूज कर नहीं सकते, इसलिए हमने कुत्ता खरीद लिया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, राशन, बर्तन, क्रॉकरी एक्सेट्रा, इंडक्शन भी मंगवाया है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ताकि हमें आप लोगों का सिलेंडर यूज ना करना पड़े। अब आपके बाबा सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माय चैनल। आदम के जमाने का सामान हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा वो बिजली पे चलने वाला चूल्हा? तो जिस दिन बिजली नहीं होगी उस दिन के ऊपर रखोगी? डोंट वरी बा, बाहर से मंगवा लेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे। और हाँ, हम आपका राशन यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारा राशन यूज कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो समय। इतनी बदतमीजी कहाँ से लाती है? अरे समर्पण अक्कल वगैरह छे जो उसके चक्कर में आ गया है। काम काज का कोई ठिकाना नहीं है और इतने खर्चे, कैसे चलेगी गृहस्थी? मुझे ना समर को समझाना पड़ेगा। रहने दीजिए बाप, प्लीज। किसी को उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी को उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं। प्लीज जो करना है कर लीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। सब्सक्राइब माय चैनल। और डिम्पी की अलग होने से सब ऑलरेडी बहुत हर्ट है, वहां घर टूट रहा है। अब यहां मैं बता दूं कि आदित्य मेरे साथ क्या कर रहा है तो मम्मी तो हर तरफ से परेशान हो जाएंगी। रोमिल, वो मैं कहने आई थी कि कॉलेज या स्टडी में कुछ हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नो थैंक्स, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बिफोर कमिंग इन माय रूम प्लीज लॉक द डोर। सॉरी। थैंक्स अगेन फॉर यू रोमिल। वो आज जो भी हुआ, जो भी। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। Subscribe my channel, please. Subscribe my channel. तुमने देखा? Please, मम्मी या किसी और को मत बताना. It's a request. Listen, I can't promise. And trust me when I say this. आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो भी पर्सनल इश्यूज है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. बट अगर वो स्मार्ट बनेगा तो मुझे भी तो अपनी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी ना. छोटी अपने बेस्ट फ्रेंड की यहाँ प्लेट डेट पे गई। बस थोड़ी देर में आती होगी। अरे रोमन आओ आओ बैठो। मैं परोसती हूँ। नहीं अनु, खुद कर सकता है। हाँ पर मैं थाली लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ मैं। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।
सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। लगा देता हूं, लौट दो मुझे। चिल गाइस, मैं वैसे भी नहीं खाने वाला हूं। आई वांट पैनकेक्स। हां तो ठीक है, मैं पैनकेक्स के लिए बोल देता हूं अभी। खाना खाइए। जरा हेडफोन निकाल रूम में। व्हाट हैपेंड? हेडफोन्स क्यों ले लिए? अच्छा गाना है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे आप हेडफोन नहीं उतारेंगे तो आपको मेरी आवाज कैसे आएगी? क्या? आप जब तक हेडफोन्स नहीं उठाएंगे आपको मेरी आवाज कैसे आएगी? आप हेडफोन नहीं उतारेंगे तो आपको मेरी आवाज कैसे आएगी? वही तो, अगर तुम ये हेडफोन हमेशा पहने रहोगे तो कोई तुमसे बात कैसे करेगा, तुम्हें आवाज कैसे आएगी? Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel. से रख दो। तुम्हें पैनकेक चाहिए ना? तो मैं कल सुबह सुबह बना दूंगी तुम्हारे लिए। चलो बैठो, खाना खाओ। देखो दाल चावल है, रोटी सब्जी है, कितना अच्छा खाना है। सारा दिन तुम आजकल के बच्चे वो प्रोटीन शेक पीते रहते हो, प्रोटीन बार खाते रहते हो। सबसे ज्यादा प्रोटीन पता है किसमें? दाल में, राजमा में, चना में, मूंग में। तो एक और का खाना खाओ, इसमें पूरा का पूरा पोषण है। क्या है? राइट न्यूट्रिशन। हाँ वही, चल बैठो खाओ। और बेटा चाहे खाना यहाँ खाओ या अपने कमरे में खाओ, पूरे मन से खाओ। ये नहीं कि फोन में घुसे रहो, टीवी देखते रहो, ऐसे तो खाना शरीर को लगता ही नहीं है। देखिए मुझे ये सब नहीं खाना है। अरे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा ही होगा मन। मतलब खाना सिर्फ शरीर पर ही नहीं मन पे भी असर डालता है। अरे यार प्लीज, ये जो आपकी फेक साइंस है ना, प्लीज अपने पास ही रख। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। अरे ये फेक साइंस नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो असली विज्ञान है। वो तुम लोग आजकल वो क्या करते हैं, वो 12 से 16 घंटे का रोज का उपवास, उसे क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओ भाई, हमारे दादा दादी, नाना नानी, सारे पूर्वज सदियों से यही करते आए हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में जो भी खाना खा लो, उसके बाद अपने पेट को आराम दो। अब देखो सदियों से कही हुई बात, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात आजकल फैशन में आ गई है। और जब माँ खाना बनाती है ना, तो खाने में सिर्फ नमक और हल्दी नहीं डालती, साथ में ढेर सारा प्यार भी मिलाती है। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया गया है कि जानवरों को अच्छे से अच्छा खाना दो और साथ में उन्हें डांट दो या कहीं उनका ध्यान कहीं और लगा दो, तो खाना उनके तन को लगता नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है सब? Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel. Social media की university में? तुम्हारे पास ये smartphone ही है ना? हाँ, तो इस phone में check करो और देखो सच में ये प्रयोग हुए हैं। साचू को उछू, देख बेटा। परंपरा का सम्मान करना और उसे update करते रहना दोनों जरूरी है। मतलब अगर कुछ गलत है तो उसे बदलो, लेकिन अगर कुछ सही है तो उसे थाम के रखो। और अगर ध्यान से हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को देखोगे ना, तो उसमें 99% मतलब 99% सब कुछ सही मिलेगा तुम्हें। आंटी यार मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं खाना फिर। पैनकेक में सुबह बना दूंगी पक्का। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अभी बैठ जा, खड़े बैठ। ये देखिए सब्जी बहुत अच्छी बनी है। खा लो, मिल रहा है तभी ना खाए।
भूखा मरता तब अकल ठिकाने आती। ओ हेलो, आप मुझे बोल रही है? बस बस अबे, खाते वक्त झगड़े नहीं। कुरकुरी भिंडी समर की फेवरेट, इसे इतनी पसंद है कि वो हमारे हिस्से की भी खत्म कर देते। किंजल बेटा, थोड़ी सी कुरकुरी भिंडी समर को भी भिजवा। जी पापा, रहने दे उसे, उसकी पंजाबी बीबी के हाथ के पराठे ही खाने दे। माँ, जब मैं काव्या के पास रहने चला गया था तो क्या आपको मेरी खाने पीने की चिंता नहीं होती? बच्चे अगर अलग हो जाए तो हमारा प्यार खत्म तो नहीं हो जाता? प्यार सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। खत्म नहीं होता है, दर्द बढ़ जाता है। सह लेंगे बाप, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। रोहन, तुम्हारे कॉलेज से मैसेज आया है, तुम्हारी एडमिशन कंफर्म हो गई है, 2 दिन के बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। दैट्स वेरी गुड भाई। और हाँ, फर्स्ट डे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? जी बेटा, तुम यहाँ पर नया हो इसलिए। नया हूँ, बच्चा नहीं हूँ। I can manage। अगर भाई का मन है तो साथ ले जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मैं हमेशा से अकेला रहूँ और मुझे उसी की आदत है ना मुके विद दैट। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी पे डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। I'm done। Subscribe my channel please, subscribe my channel please, subscribe my channel। ये घर है, बॉक्सिंग रिंग नहीं है। दम दिखाना है, जोर दिखाना है, बाहर जाओ। इन्हें मैं समझा चुका हूं, तुम समझा दो अनु। इस घर में रहना है तो शांति से रहना होगा, अगर नहीं रह सकते तो बाहर जाइए। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना है पर। बात बात पे धमकी, बात बात पे लेक्चर। I'm fed up of this shit। आप मुझे लेके आते ना पर, मुझे नहीं आना था। I'm fed up of this nonsense यार। Very good। पहली बार मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। अंकुश, तुम हमेशा अपने बेटे के लिए ये लाते हो वो लाते हो। अब एक रिक्शा ले आओ, बाहर हो, मिल जाओ यहाँ से। प्रॉब्लम मेरा बेटा नहीं है बरखा, तुम हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ। क्यों जाएंगी? ये जाएगा अनवांटेड गेस्ट, आपका नचाइस बेटा। अबे तू क्यों बीच में बोल रहा है? तू तो खुद इस घर में गेस्ट है। शट अप, जस्ट शट अप, यू शट अप, डबल फेस्ट। क्या बोला तूने? ओह, दैट्स व्हाट यू आर, डबल फेस्ट है ना। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों को नहीं पता लेकिन मैं ये बात जानता हूं, मैंने नहीं देखा है ये किस तरीके से बिहेव करता है अपनी वाइफ से। तुमने ठीक से खाया नहीं तो इसलिए फ्रेश फ्रेश जूस लेकर आई। मुझे किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अपने फैमिली ड्रामा से दूर रखना। मैं जो हूँ जैसा हूँ फेस पे हूँ, आपके सनी लॉ की तरह नहीं, पीछे कुछ और सामने कुछ और। फेक कहीं का स्वीटी,